हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द? सबसे पहले इसकी परिभाषा, विलोम का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? विपरीत क्या होता है? विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। अब देखो कौन सा, जैसे मैंने लिखा एक सत्य, सत्य का उल्टा क्या होगा भाई मेरे? असत्य। उसके बाद देखो अपने, मैंने लिया आज्ञा, आज्ञा का उल्टा क्या होगा हमारे? विज्ञ। विज्ञ बाद मैंने ले लिया अभिज्ञ, अभिज्ञ का उल्टा क्या हो गया? अनभिज्ञ। ठीक है ना? सत्य यानी जो सच बोलने वाला, असत्य जो सत्य नहीं बोलता हो, अज्ञेय। और एक हो गया विज्ञ, एक अभिज्ञ, एक अनभिज्ञ, मतलब जानकार और एक कम जानने वाला। वैसे ये होगा अज्ञ अभिज्ञ का पर्यायवाची और विज्ञ अनभिज्ञ का पर्यायवाची शब्द। फिर देखो अकाल, अकाल का उल्टा मैं क्या ले लूंगा? सुकाल। ठीक है ना? फिर देखो ले लिया मैंने अग्रज, अग्रज का उल्टा क्या ले लूं मैं? अनुज। अग्र प्लस ज, अग्र यानी बाद में और ज का मतलब जन्म लेने वाला, अनु यानी पहले, ज का मतलब जन्म लेने वाला, यानी जो बाद में जन्म लेने वाला उसको अग्रज कहते हैं। बड़ा भाई जो छोटा भाई होता है, अनुज जो पहले जन्म लेता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अनुज। ठीक है ना? उसके बाद सॉरी, अग्र यानी पहले होता है, अनुज यानी पीछे बाद में आओ। ठीक है? उसके बाद देखो अत, अत के बाद इति। ठीक है ना? ध्यान से देखो। उसके बाद एक मैं लिखता हूँ अवलंब, और एक इसका उल्टा होता है निरअवलंब। ठीक है ना? उसके बाद देखो आप, मैंने लिखा आडंबर, आडंबर का क्या हो जाएगा? सादगी। फिर देखो अपन आते हैं, एक मैंने लिखा पतित, पतित का क्या हो जाएगा? पुण्यात्मा, यानी पुण्य है जिसकी आत्मा। फिर आपके लिख दिया मैंने उपकार, उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। उसके बाद आते हैं अपन अगले वर्ड पे, जिसका मैंने लिख दिया आक्रमण, आक्रमण का क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा। उसके बाद देखो मेरे भाइयों, मैंने लिखा गरिमा, गरिमा का क्या होगा? लघिमा। उसके बाद मैंने एक वर्ड लिख, शब्द लिख दिया बर्बर, उसका हो गया सभ्य। ठीक है ना? उसके बाद अपन अगला लेते हैं आपके, एक ले लिया मैंने जैसे डीट, डीट का हो जाएगा नम्र, क्या हो जाएगा? नम्र या विनीत। अपना दूसरा टॉपिक है युग्म शब्द। विलोम शब्द तो आगे आप कर ही लोगे, ये तो सिर्फ पढ़ने का ही है, समझने का इसमें कुछ है नहीं। मैंने बता दिया जिसका अर्थ था वही था, उसका विपरीत अर्थ नहीं, उल्टा अर्थ हो गया, वो क्या हो गया? विलोम। अब अपन आते हैं युग्म शब्द। युग्म शब्द कौन कौन से थे? वे शब्द जो उच्चारण में तो समान होते लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, यानी जिनका उच्चारण तो क्या हो एक समान, बोलने में एक जैसे लगे लेकिन उनका अर्थ क्या हो भिन्न भिन्न हो। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, जिनका उच्चारण यानी बोलने में तो एक जैसे लगे लेकिन अर्थ कैसा हो भिन्न भिन्न। इसके एग्जाम्पल में आते हैं अपन धीरे धीरे। जैसे मैंने एक लिख दिया अंश और एक लिख दिया अंश, दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसका मतलब तो होता है आपके कंधा और इस अंश का मतलब होता है हिस्सा। उसी प्रकार मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हो गया अनल और एक हो गया अनिल। देखो ध्यान से, अनल तो हो गया आपके आग, अनिल का मतलब हो गया हवा। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं अपन आगे एग्जाम्पल पे, तो जैसे मैंने एक लिख दिया विपण, एक लिख दिया विपणी। ठीक है ना? विपण तो हो गया आपके बाजार और विपणी हो गया आपके दुकान। ठीक है ना? उसी प्रकार एक और वर्ड होता है इसके सिमिलर, विपणी, ऋणी बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा? दुकानदार। फिर आते हैं अगले, एक लिख दिया मैंने अवधि। ठीक है ना? एक लिख दिया अवधि। अब देखो सिर्फ ई की मात्रा का फर्क है, तो अवधि का तो समय हो जाएगा
और अवधि का मतलब हो जाएगा भाषा, ये एक भाषा है। फिर देखो एक है घोड़े वाला अश्व और एक है अश्व। अश्व का मतलब तो हो गया आपके घोड़ा, और अश्व का मतलब हो गया धनहीन। अश्व का मतलब क्या हो गया? धनहीन, जिसके पास धन नहीं हो। फिर आते अपने, मैंने लिखा ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ के बाद जैसे इसका सिमिलर हो गया ग्रंथ, क्या हो गया ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब तो पुस्तक होता है, और ग्रंथी का मतलब क्या होता है? गांठ। एक और होता है इसके जैसे ग्रंथी, ठीक है, इसका मतलब हो गया सिखों के पुरोहित। जो सिखों के पुरोहित होते हैं ना, उनको ग्रंथी बोलते हैं, ठीक है, सिखों के पुरोहित। देखो दोस्तों, आज हमने पढ़े आपके पहले में पढ़ा विलोम शब्द, दूसरे में पढ़ा युगम शब्द। विलोम शब्द वो थे जो विपरीत अर्थ बता रहे थे, उल्टा विलोम अर्थ बताने वाला। युगम शब्द कौन से होंगे जिनका उच्चारण तो एक समान हो लेकिन अर्थ हो भिन्न भिन्न। तो जो भी होमवर्क है आपको दिया जाए वो पूरा का पूरा लिख देना, अच्छे से पढ़ाई करना। आज की सभा में बस इतना ही, अगली सभा में मिलेंगे एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।